गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह नियम बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन नियमों पर बेस्ड है प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आप देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 140 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप यहां पर देखेंगे 140 पे आपने इसको फैक्टराइज किया, तो पहले 7 से डिवाइड किया, 5 से किया और 2 से, तो ये अभाज्य संख्या है 7522, और ये आखिरी में इसका लास्ट तक इसको फैक्टराइज करने के बाद 140 इक्वल आ गया 2 × 2 × 5 × 7। तो यह 140 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो इसी तरह से अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे 156, इसको भी हम इसी प्रकार से इनके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो आप यहाँ देखें, चाहे आप पहले 13 से करें, चाहे छोटी वैल्यू से करें, आप चाहे तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर 3 से कर सकते हैं और लास्ट में जितनी वैल्यू आपकी हो सकती है पॉसिबल, उससे गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये 2, 3 और 13 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं और इन सब के गुणनफल जो हैं वो 156 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यह 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको नोट कर लीजिए, 2 की पावर 2 × 3 × 13। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। इसका यहाँ पर हल दिया हुआ है, आप इनको देख करके और फिर इसको कॉपी में बिना देख के करने की कोशिश करो। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप पहले देख लें, समझ लें, फिर इसको आप बिना देखे इसको ट्राई करें। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात कीजिए और इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ दो संख्याएं दी हैं 26 और 91, तो 26 का गुणनखंड आएगा 2 × 13 और 19 के गुणनखंड होंगे 7 × 13। इसमें जो कॉमन है, सार्व कॉमन, दोनों में कॉमन जो है 13 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, एलसीएम कितना होगा, इनके जो सभी गुणनखंड है इनका गुणनफल करेंगे, तो 2 × 7 और 13 चूंकि दोनों में कॉमन है इसीलिए इसको हम एक ही बार लेंगे, और इनका तीनों का गुणनफल कितना होता है 182, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 182। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, दो संख्या गुणनफल का को हम n1 × n2 कहते हैं इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब हमें आप मान रख के देखते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 26 × 91 और एचसीएफ कितना है 13 और इंटू एलसीएम कितना है 182। इनको आप गुणा करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है। इससे हमको यह सिद्ध होता है कि यह जो फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यह सिद्ध होता है। इसी प्रकार आप ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी इसको देखें और करने का प्रयास करें। थैंक यू।